हेलो गाइस, आज हम आए हैं कुल्लू में, छोटा सा गांव चोयल में। ये मेरी मम्मी का गांव है, यहाँ पर हम घूमने आए हुए हैं छुट्टियों में। ये देखो, ये छोटा सा गांव है, चोयल इसको बोला जाता है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ। यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ का रहन सहन है। ये देखिए फ्लावर्स, बहुत सुंदर फ्लावर्स यहाँ पर, जगह जगह पे आपको इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे। ये मेरी मामा का घर है, नोनो की नानी का घर, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर लगाए हैं। ये मेरी मामा का घर है, नोनो की नानी का घर। अभी बाहर कोई नहीं है क्योंकि धूप चली गई है, ठंड हो रही है, तो सब अंदर गए हुए हैं। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी। यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हाईलाइट करूँगी, आपको बताऊँगी कि गांव में लोगों का जीवन किस तरह से होता है। सिंपल लोग होते हैं, साधारण सा उनका जीवन होता है। छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ ढूंढते हैं। ये इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, देखो गमलों के अंदर छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं। कुछ प्लांट बहुत ही सुंदर है, ये देखो। और यहाँ पर ये देखो बहुत सुंदर फ्लावर है। इस तरह से हर एक छोटी छोटी डब्बों का यूज़ किया है इन्होंने प्लांट लगाने के लिए, प्लास्टिक के डब्बे, उसके अंदर प्लांट लगाए हुए हैं। यहाँ पर नोनो के पापा बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे हैं जो वेस्ट हैं, लेकिन वेस्ट मटेरियल का इन्होंने बड़ा अच्छा सा यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ पर साथ में पानी के लिए टंकी रखी हुई है, बकेट भरे हुए हैं साथ में। और ये हमाम है, इसमें छोटी मोटी लकड़ियाँ आसपास मिलती है, तो उसका यूज़ ये पानी गर्म करने के लिए करते हैं, पानी भी गर्म हो जाता है। और नो डाउट बिजली है, लेकिन गीज़र का यूज़ बहुत कम करते हैं यहाँ पर लोग। इस तरह से आग जला करके पानी गर्म करते हैं। हमाम तो हर जगह मिलता है, लेकिन पहाड़ी जगह पर इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन बहुत आराम से हो जाता है। ये एक बहुत सा बड़ा प्लांट हो गया है, इसको अनारदाना बोलते हैं। इस सीज़न में बहुत सारे फ्रूट्स इसमें हुए थे, जिनको सुखा करके अनारदाना बनाया है, जो एक तरह से मेडिसिन का काम भी करते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है इसको। अब मैं आपको दिखाऊँगी एक यहाँ पर भी ये प्लांट है, इसको कक्कड़ बोला जाता है। और ये इसमें जो फ्रूट होता है वो दवाई के काम में लाया जाता है। इसके ऊपर ये जो बेल है, घी की बेल है, यहाँ पर लगाई हुई है इसके अंदर। और इसके साथ एक ये जो पौधा लगा हुआ है, ये जापानी फल का पौधा है। छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे फल लगते हैं, क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो गया है, तो ये ख़त्म हो चुका है, इसके फ्रूट्स जो है ख़त्म हो चुके हैं। ये हरी मिर्ची लगाई हुई है, तो कुछ पक चुकी हैं, जो रेड हो चुकी हैं, कुछ अभी फ्लावर आए हुए हैं, इसमें हरी मिर्ची लगेगी। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी एक और जापानी फल का प्लांट। ये देखिए ध्यान से देखो, इसमें छोटा सा है, इसमें इस बार बहुत सारे फ्रूट्स इसमें हुए। गाइस, आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो जिस साइड में मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ पर थोड़ा सा शेडो आ गई है पहाड़ की, इस वजह से थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ये फ्रूट का प्लांट। ये देखिए, ये है, लोकल लैंग्वेज यहाँ पे इसको खट्टा बोलते हैं, और इसका मुरब्बा भी बनता है, जो लोग बड़े शौक से खाते हैं, जिसमें हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, मूली का साग वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है, और सर्दियों में आराम से बैठते हैं। और ये एक तरह से मेडिसिन का भी काम करता है, तो इसमें बहुत सारे फ्रूट आए हुए हैं, जिसका टेस्ट खट्टा होता है। और यहाँ पर देखो मूली, धनिया पत्ती लगाई हुई है यहाँ पर, ये देखिए गाजर भी लगाए हुए हैं, आलू लगा हुआ है यहाँ पर। एक और यहाँ पे फ्रूट्स प्लांट है, अभी इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं इसमें लगे हुए। इसका टेस्ट भी खट्टा सा होता है, और इसको जमेटी बोलते हैं। ये कुछ ग्रीन है यहाँ पर, अभी इनका कलर जो है ऑरेंज की तरह होगा। ये देखो यहाँ पे ये ऑरेंज की तरह हो रहा है,
कलर, इस तरह से भी कलर इसमें आएगा। तो ये घिया लगा हुआ है यहाँ पे इस कक्कड़ सिंह के प्लांट के ऊपर। ये भी मेडिसिन प्लांट है, इसका मेडिसिन यूज़ होता है इस प्लांट में जो फ्रूट आता है। ये है नोनो के नानी का घर, नोनो मेरा बेटा है, उसका घर है ये।